ऐसे जब महागठबंधन से नीतीश एनडीए की तरफ आ रहे थे उस वक्त उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से खुद को मुक्त करना चाहते हैं। रहा है क्या खेल फिर गड़बड़ा सकता है। हालांकि इन सब के बीच में खुशी एक चीज़ हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह ने भी प्लानिंग टाइट कर रखी है, कुछ भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। इसमें उनको रखा गया था आपको कि आपको बात रखना है, लेकिन वो पहुँचे ही नहीं। पहुँचते भी हैं तो लोग कहते हैं कि यार डीएम से कोई एसडीएम सवाल करता है क्या, ये एक चर्चा उन्होंने ये कर दिया था। तो राजद इसको लेकर के एक बड़ा जो मुद्दा बनाना चाहिए वो मुद्दा नहीं बना पा रहा राजद ने। उनमें उनकी डिमांड थी कि हमारा सैलरी बढ़ा दिया जाए, नौकरी फिक्स कर दिया जाए। वो रैली कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तब तक अचानक लाठी चार्ज हो गया। सभी गर्दनी बाग में जाकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इस बात का दावा कर रहे हैं कि लाठी चार्ज नहीं हुआ। हाँ, ये चर्चा पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन लाठी चार्ज अब हल्का फुल्का बल प्रयोग हो जाता है। कुमार से जो बाप बेटी का रिश्ता होता है वो रिश्ता हमारा पलटती इसलिए नजर आ रही है कि राजनीतिक करियर तो बचाना है उनको, जहां से उन्होंने करियर की शुरुआत, हालांकि करियर की शुरुआत तो बीमा आरती ने आरजेडी से किया था, लेकिन विधायक कहां से बनी। वो विधायक तो बनी जदयू से, तीन बार वो विधायक रही है रुपौली से, और इस बार वो हार गई। तो हारने की वजह थी बार बार पलटने की। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम रातों रात है, जहां बिहार की राजनीति में रातों रात हुए उन बड़े घटना के बारे में आज सुबह सवेरे हम चर्चा करने बैठे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नेश मौजूद हैं। अच्छा रत्नेश, सीएम नीति आयोग में शामिल होने तो नहीं पहुंचे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक हाई लेवल बैठक बुला ली, क्या कुछ हुआ इसमें? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब क्या फैसला लेते हैं ये कोई नहीं जानता। अचानक से वो कभी ऐसी चर्चाएं छेड़ देते हैं, या वो चर्चा छेड़े ना छेड़े, उनके पार्टी के लोग अगर चर्चा छेड़ दें तो थिंक टैंक जो है वो अगर सामने आ जाए तो लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, नीति आयोग में कौन कौन है? नीति आयोग में बिहार से अगर देखा जाए तो चिराग पासवान है उस टीम में, इसके अलावा जीतन राम मांझी हैं, इसके अलावा ललन सिंह हैं। ललन सिंह कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे, हालांकि आज भी हैं, लेकिन अब तो मोदी के अब करीबी हो गए हैं, क्योंकि अब उनका एक मतलब सपना था कि भाई हम केंद्र में मंत्री बने। जब आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया गया तब से ही काफ़ी नाराजगी उनकी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही वो जदयू के थे, लेकिन आरसीपी सिंह का जो प्रकरण हुआ मंत्री को लेकर, आनन फानन में उन्हें मंत्री पद की शपथ ले ली मोदी कैबिनेट में जाकर, इससे नाराजगी उनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई। और तब से वो चाहते थे कि जो जिस मंत्री पद पर आज आरसीपी सिंह हैं वहाँ पे हमें होना चाहिए, ललन सिंह को होना चाहिए। और इस वजह से आपने देखा कि कैसे जब महागठबंधन से नीतीश एनडीए की तरफ आ रहे थे उस वक्त उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से खुद को मुक्त करना चाहते हैं। और उनके ऊपर कई सारे आरोप भी लग रहे थे कि वो जदयू को कमज़ोर करना चाहते हैं, जदयू को तोड़ना चाहते हैं। तो इस वजह से नीतीश कुमार ने उनको उस पद से ही मुक्त कर दिया, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उसके बाद से ही अब ललन सिंह फ्री हो गए, एक मतलब उनके सर से एक जो भार था वो हल्का हो गया। उन्होंने कहा कि हम मुंगेर से चुनाव लड़ेंगे, मुंगेर से वो चुनाव लड़ते हैं, सांसद बनते हैं। और मोदी देखिए कितने ज़्यादा कभी मोदी पर हमले करने के लिए जाने जाते थे। और अचानक से मोदी इतना मेहरबान हो गए ललन सिंह पर कि मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया, बहुत बड़ा मंत्री पद उनको मिल गया है। और इस वजह से आप देखेंगे कि अब एक खतरा ये है जदयू के अंदर कि हमारे सांसद कहीं टूट के चले ना जाए। एक खतरा ये है कि सांसद जो लगातार 12 सांसदों की लिस्ट है उसमें सेंधमारी ना हो जाए, और इस वजह से ललन सिंह पर खतरा मंडराते रहता है। इधर नीति आयोग के गठन हुए थे, इसमें लगा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, उससे पहले ही बजट सत्र में विशेष पैकेज दे दिया गया। नीतीश इससे काफ़ी संतुष्ट होते हुए दिखे हैं, लेकिन बैठक में ना जाना और बैठक में उनका प्रतिनिधित्व उनके एक आईएएस अधिकारी करना, ये कहीं ना कहीं इशारा करता है। हालांकि नीतीश कुमार हो सकता है कि तबीयत नहीं सही हो उनका, यहाँ पे वो बैठक इसलिए बुलाए थे कि झारखंड में इसी साल नवंबर में चुनाव होने वाला है, 2024 में झारखंड विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और इस चुनाव की तैयारी नीतीश ने बहुत पहले से कर रखी है। उत्तर प्रदेश में भी नीतीश कुमार लड़ना चाहते थे, लेकिन वैसा हुआ नहीं, आरसीपी सिंह ने वो किया नहीं जो वो चाहते थे। तो
तो इस वजह से झारखंड में वो चाहते हैं, तो झारखंड में खीरू महतो को बुलाकर झारखंड के प्रभारी उन्होंने दे दिया है, वहाँ के वो जदयू के अध्यक्ष भी हैं और उनके साथ एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी वहाँ बैठक कर रही है, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस नीति आयोग की बैठक में विपक्ष से इंडिया गठबंधन से भी कई लोग को जाना था, जिसमें ममता बनर्जी गई लेकिन बीच मीटिंग छोड़ करके वो वापस लौट आई। ये सारी प्रक्रियाएं एक तरफ से ये दर्शा रहा है कि कुछ खेल तो है, मामला कुछ सीरियस है। तेजस्वी भी कुछ ज्यादा बोल नहीं रहे हैं, तेजस्वी ने भी चुप्पी साध रखी है, सुनील सिंह के मैटर पे भी वो नहीं बोल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं किस एक तरफ से इशारा करता है कि भाई खेल चल क्या रहा है। नीतीश कुमार का नीति आयोग की मीटिंग में न जाना इस बात की तरफ से बहुत सारी चीज़ों के इस तरफ इशारा कर रहा है कि क्या चल रहा है, क्या खेल फिर गड़बड़ा सकता है। हालांकि इन सब के बीच में खुशी एक चीज़ हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह ने भी प्लानिंग टाइट कर रखी है, कुछ भी वो किसी भी वक्त कर सकते हैं। चाणक्य किया ना अभी सम्राट चौधरी वाला, सम्राट चौधरी देखिए अगला मेरा यही क्वेश्चन है, वो दिल्ली चले गए सम्राट चौधरी और बीजेपी के बीच में अभी भी कहीं ना कहीं जो नए अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, तो उनमें कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि भाई एक संगठन में बदलाव होगा। सम्राट चौधरी के जो टीम के लोग हैं वो नाराज चल रहे हैं, एक अंदर ही अंदर थोड़ा सा द्वंद पैदा हो रहा है लोगों के बीच में। एक चर्चा ये है कि सम्राट चौधरी को मनाने के लिए बुलाया गया है, एक चर्चा ये है कि सम्राट चौधरी की डिप्टी सीएम की कुर्सी चली जाएगी, इस वजह से उनको समझाने के लिए बुलाया गया है कि आपकी डिप्टी सीएम की कुर्सी तो चली गई लेकिन हम आपके लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं, हम आपके लिए कुछ देख रहे हैं, कुछ बढ़िया सोच रहे हैं, तो आप घबराइए नहीं। ये नहीं कि ऐसा उनके संगठन के अंदर आप हो हल्ला कर दें या फिर कुछ ऐसा कर दें जिस वजह से बीजेपी टूट जाए, कमजोर पड़ जाए। दो डिप्टी सीएम है, दो डिप्टी सीएम का भार नीतीश कुमार सह रहे हैं पिछले कई दिनों से, और वो चाहते हैं कि मतलब एक ही डिप्टी सीएम रहे बिहार में, दो डिप्टी सीएम का भार हमें न सहना पड़े। इस वजह से वो एक डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट जो है नीतीश कुमार लागू करना चाहते हैं। एक चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार जदयू की पार्टी से किसी को बनवाना चाहते हैं डिप्टी सीएम। नीतीश को चर्चा भी किया था अपने संपादक के साथ ही, हमने चर्चा की थी। एक बात ये भी है कि अमेरिका जा रहे हैं नीतीश कुमार, किसको कुर्सी सौंपेंगे अमेरिका जाने से पहले, क्या सम्राट चौधरी होंगे, क्या जो मनीष वर्मा होंगे, क्या सम्राट चौधरी के अलावा कहीं और चेहरे भी हैं, तो ये कहीं ना कहीं चर्चा चल रहा है। और सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया जाना एक बात की तरफ ये इशारा कर रहा है कि उनकी सीएम डिप्टी सीएम की जो कुर्सी है वो कहीं ना कहीं खतरे में है, और इस वजह से वो इस कुर्सी, एक कुर्सी तो उनका चला गया लेकिन दूसरी कुर्सी को बचाने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी, इसके साथ साथ जेपी नड्डा के अलावा क्या वहाँ पर समझौता है वो आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है शाम में आ जाए या फिर दोपहर के समय आ जाए, क्लियर हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं एक चर्चा है। हालांकि बीजेपी एक बार जो संगठन में बदलाव कर दिया, बहुत सारी चीज़ों को सोच करके संगठन में बदलाव भारतीय जनता पार्टी करती है, 2025 का चुनाव भी है तो चेंजेस हो गया। अच्छा रत्नेश, ऐसा भी कहा जा रहा है कि बीजेपी एक साथ दो पोस्ट नहीं देती है किसी को, तो ये बिल्कुल तो बिल्कुल, तो एक पोस्ट तो उनको मुक्त कर दिया जी। तो एक पोस्ट अब रहेगा, अब वो पोस्ट भी रहेगा कि नहीं रहेगा इस पर जेपी नड्डा अमित शाह को फैसला करना है कि क्या सम्राट चौधरी के रहने की वजह से जो वोट बैंक है उस पर क्या वो वोट बैंक खिसक के आ पाएगा हमारे तरफ, क्योंकि एक शिकायत थी कि लौकुश समीकरण में सम्राट चौधरी बहुत कमाल नहीं कर पा रहे, कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं। हालांकि बहुत मेहनत उन्होंने किया लोकसभा चुनाव के दरमियान, बहुत सारे लौकुश समीकरण को जोड़ा भी है, तो ये भी कहना बहुत मतलब अतिशयोक्ति हो जाएगी भाई क्यों मतलब ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी ने बहुत मेहनत किया है। और देखिए डिप्टी सीएम की कुर्सी बचती है कि नहीं, अब चर्चा दिल्ली में होगा, जेपी नड्डा इस पर फैसला करते हैं। अच्छा रत्नेश, देखिए सुनील सिंह की सदस्यता चली गई, राजद अब काफी आक्रोश में नजर आ रहा है, कल एक बैठक थी जी जी जी, इसलिए आक्रोश में आ रहा है कि सुनील सिंह की सदस्यता चली गई, एक उनका जो सदस्य है वो कहीं ना कहीं बिहार में या उनके मेंबर जो है उनका एक कम हो गया। हमने एक चर्चा लगातार इस बात की चल रही है कि पार्टी को नंबर वन बनाना है, पार्टी को कहाँ पहुँचाना है, इसको देखते हुए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चर्चा है। इन चर्चा के बीच में अगर नंबर वन की पार्टी नहीं बनती है, या फिर सुनील सिंह आरोप लगाते हैं कि हमें मौका नहीं दिया गया, हमें बोलने का मतलब मौका नहीं दिया गया, हालांकि आयोग की गठन की गई थी, इसमें उनको रखा गया था आपको कि आपको बात रखना है, लेकिन वो पहुंचे ही नहीं, पहुंचते भी हैं तो लोग कहते हैं कि यार डीएम से कोई एसडीएम सवाल करता है क्या,
ये चर्चा उन्होंने ये कर दिया था। तो राजद इसको लेकर के एक बड़ा जो मुद्दा बनाना चाहिए वो मुद्दा नहीं बना पा रहा है राजद। बोल रहे लोकतंत्र की आवाज दबाई जाए, तो मुद्दा बनाइए इसको विपक्ष में। आप तो तेजस्वी यादव को जाना चाहिए था उस दिन, जाकर के विरोध करना चाहिए था। विरोध करते तो शायद कुछ नीतीश कुमार इस पर एक्शन भी करते। हमने चर्चा किया था निर्दलीय MLC हैं, उनसे जब महेश्वर सिंह से जब पूछा था तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सबको ले करके चलते हैं, मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा सुनील सिंह को, शायद बच जाएगा अगर तेजस्वी यादव चाहे तो। देखिए इसलिए भी हटाया गया है ना, क्योंकि एक चर्चा ये है कि रोड़ा सुनील सिंह बन रहे थे RJD के लिए, नीतीश कुमार के साथ जो उनके संबंध थे पहले से अच्छे नहीं थे, और इस वजह से नीतीश के रास्ते में जो रोड़ा आ रहे हैं उस रोड़ा को साफ कर दिया जाए, ताकि पहले से नीतीश कुमार के लिए रास्ता साफ रखा जाए। अगर नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग से निकलेंगे, लालू राबड़ी के आवास में जाएंगे, बीच में सुनील सिंह को देख ले तो तुरंत वापस अपने एक अन्य मार्ग की तरफ घुस जाएंगे। तो ऐसा ना हो, लालू राबड़ी आवास की तरफ घुसे, इस वजह से सुनील सिंह को वहां पर हटाया गया है। तो इस पर बहुत ज्यादा एग्रेशन मुझे नहीं लगता है कि राजद दिखाएगी, भले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जो औपचारिकता है ना उसे पूरा कर रहा है बार बार वो, तो ये कोई मैटर नहीं है। RJD समझ चुका है कि कैसे हमें राजनीति करना है। सुनील सिंह को हटा दिया, नीतीश जब चाहे तब किसी को हटवा सकते हैं। तो ये राजद का एक मुझे लगता है कि मतलब एक होता है ना नियम फुलफिल करना, वो उन्होंने किया है। अच्छा, चिराग पासवान के जो पांच सांसद है काफी एक्शन में नजर आ रहे हैं। आपने भी देखा जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपने लोकसभा में जीतने के बाद सदन में आवाज उठाई। हाँ। तो अब उनके अरुण जो भारती उनके जीजा है उस पर मैंने खबर की, किस तरीके से वो एक्शन नजर आ रहा, क्या कुछ कर रहे हैं जो लोग रोड पे विरोध कर रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान की पार्टी ने 100% स्ट्राइक रेट दिया है, और चिराग पासवान की पार्टी एक्शन मोड में रहती है। बिहार के कई जगहों पर अगर आप जाएंगे, चाहे राजेश वर्मा हो, चाहे शाम्भवी चौधरी हैं, अरुण भारती जो जमुई से सांसद हैं, या चिराग पासवान खुद हाजीपुर के हैं, ये सभी अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव हैं। नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं और चिराग के हनुमान ये सभी हैं। तो चिराग जब तक मजबूत नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी को मजबूत नहीं करेंगे। तो इनके सांसदों की जिम्मेदारी क्या है, हर छोटे छोटे मुद्दों पर उनको बातचीत करना है, सदन तक पहुंचाना है। परसों की ये घटना है जब चौकीदार वफादार जो है, चौकीदार दफादार जो थे, माफ़ कीजिएगा, वो एक रैली कर रहे थे, उनमें उनकी डिमांड थी कि हमारा सैलरी बढ़ा दिया जाए, नौकरी फिक्स कर दिया जाए। वो रैली कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तब तक अचानक लाठी चार्ज हो गया, सभी गर्दनी बाग में जाकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इस बात का दावा कर रहे हैं कि लाठी चार्ज नहीं हुआ। हाँ, ये चर्चा पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन लाठी चार्ज अब हल्का फुल्का बल प्रयोग हो जाता है तो वो कहते हैं कि लाठी चार्ज हुआ है। तो वो आमरण अनशन पर बैठ गए। अब इस बात की जानकारी जब चिराग पासवान के पार्टी को पड़ी, तो चिराग पासवान के बाद कौन है उनके पार्टी में, उनके पार्टी में उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके बाद उनके सांसदों की बारी आती है, उनके सांसद हैं उनके जीजा अरुण भारती, वो जाते हैं अनशन जो है वो तुड़वाते हैं। और मानसून सत्र के दौरान ये काफ़ी मतलब जो प्रदर्शनकारी थे वो गए थे वहाँ पर अपनी मांग को लेकर के, तो अरुण भारती ने कहा कि इसकी जानकारी चिराग पासवान को दे दी गई है और इस संबंध में हम नीतीश कुमार से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और जो सैलरी है उसे बढ़ाया जाए, फिक्स किया जाए, जिसको जिस मांग को लेकर के ये आमरण अनशन पर बैठे थे, तो ये आमरण अनशन उन्होंने कर दी गई। हाँ, उन्होंने ख़त्म कराया और कहा कि आप विश्वास रखिए। अब देखिए, एक बहुत बड़ा ब्राउनी पॉइंट है यहाँ पर चिराग पासवान के लिए। अब क्या हुआ, चिराग के जीजा गए, चिराग के पार्टी को एक बड़ा बल मिला कि अरे चिराग नहीं आए, उनके जीजा तो आए, उनके सांसद आ गए, एक चौकीदार दफादार के अनशन को तोड़वाने के लिए उनके सांसद आ गए। तो ये एक विधानसभा के चुनाव की तैयारी भी है, पटना सहित बिहार के अन्य विधानसभा क्षेत्रों पर इसका असर भी पड़ेगा। चिराग के पार्टी के सांसद हर जगह एक्टिव रहते हैं, तो इसका चिराग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके जीजा, वहां पहुंचते हैं, आमरण अनशन तुड़वाते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में हम नीतीश कुमार से बातचीत करेंगे, CM से बातचीत करेंगे, इसकी मांग को आप लोगों की पूरी जरूर की जाएगी। अच्छा रत्नेश, अगर बीमा भारती की बात की जाए तो ना पूर्णिया से अपनी जमानत बचा पाई, ना रुपौली से कुर्सी, लेकिन अब वो क्या खेला कर रही है? देखिए, बीमा भारती का राजनीतिक करियर समाप्ति के तरफ है, ये मान के चलिए आप, क्योंकि मतलब एक कहावत है ना कि तेरी खैर नहीं नीतीश से बैर नहीं, ये कहावत कहीं ना कहीं इन पर फिट बैठता है। सुनील सिंह को देख लीजिए, बीमा भारती को देख लीजिए, RCP सिंह को देख लीजिए, कई ऐसे लिस्ट हैं। अगर आप नीतीश से बैर करेंगे तो फिर आपका खैर नहीं है। बीमा भारती फ्लोर टेस्ट में नहीं पहुंच पा रही थी। बीमा भारती पर ये आरोप था कि फ्लोर टेस्ट से पहले ही RJD से कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं,
हालांकि देखिए ये बात अब दर्शक देखेंगे तो कहेंगे कि आप ये क्यों कह रहे हैं, जो चर्चा है जो बातचीत हुई है उसके आधार पर हम कह रहे हैं। हालांकि बीमा भारती कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम नीतीश के सिपाही हमेशा से थे और नीतीश कुमार से जो बाप बेटी का रिश्ता होता है वो रिश्ता हमारा था। पलटती हुई अब नजर आ रही है, पलटती इसलिए नजर आ रही है कि राजनीति करियर तो बचाना है उनको, जहां से उन्होंने करियर की शुरुआत, हालांकि करियर की शुरुआत तो बीमा भारती ने आरजेडी से किया था, लेकिन विधायक कहाँ से बनी, वो विधायक तो बनी जदयू से, तीन बार वो विधायक रही है रूपौली से और इस बार वो हार गई, तो हारने की वजह थी बार बार पलटने की। उन्होंने नीतीश पर आरोप लगा दिया, जदयू पर आरोप लगा दिया, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर आरोप उन्होंने लगा दिया था, तो ये कहीं ना कहीं ललन सिंह को नागवार गुजरा और उन्होंने कहा कि बीमा भारती जी जदयू में आपका चैप्टर क्लोज, अब आप जाइए। बीमा भारती गई लालू प्रसाद यादव के साथ नए चैप्टर की शुरुआत करने चाहती थी, लेकिन लोगों ने उनको पसंद नहीं किया, लोगों ने उनको ऐसा फेंका कि उनको लग रहा है कि अब फेंका के हम कहीं ऐसा जगह ना चल जाए जहाँ पर राजनीतिक करियर नहीं समाप्त हो जाए। भले ही वो ये बात कहें कि नहीं नीतीश से हम सिर्फ मिलने गए थे समस्या को लेकर के, लेकिन बात कहीं से ना कहीं से इस बात की चल रही है कि उनको एमएलसी की सीट को लेकर के वो गई थी, जो आरजेडी की एमएलसी की सीट खाली हुई है उस पर जदयू दावेदारी करेगी, एमएलसी बन सकती है या फिर पार्टी में फिर शामिल होंगी, फिर से विधानसभा का चुनाव होगा, चुनाव में वो लड़ेंगी और हो सकता है कि वो अगर, लेकिन मुझे अब नहीं लगता कि बीमा भारती अब जीतेंगी या फिर उन पर भरोसा करेगा। तो बीमा भारती को लेकर के ये चर्चा बिहार के राजनीति में तेज है, फिर पलटी मारेंगी बीमा भारती। अच्छा रत्नेश, ऐसा नहीं लग रहा कि बीमा भारती को बहुत ज्यादा झटका लग चुका है रूपौली से हारने के? बिल्कुल लगा है, लोगों ने ऐसा जब फेंका, तीन नंबर पे गायब हो गई, पता ही नहीं शुरू वाले टेस्ट कहां से तीन बार जीतने वाले विधायक और कहां तीन नंबर पर चली गई, उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है ये। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब जदयू से हटना, नीतीश से बैर करना बीमा भारती के लिए खतरा था और इस वजह से अपना राजनीति, देखिए आरजेडी ने भी बीमा भारती का इस्तेमाल किया, हालांकि उनका प्रचार प्रदर्शन तेजस्वी यादव ने ज्यादा नहीं किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वही लाइन में बोलने जा रहा था कि आरजेडी ने उनका सिर्फ इस्तेमाल किया है पप्पू यादव से लड़ाने के लिए। देखिए किसी बड़े नेता को तो उतार नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा कि चलो बोले क्या बकरा, बीमा भारती को ही बना दो, उनका राजनीतिक करियर ही समाप्त उन्होंने कर दिया। तो इस वजह से मुझे लगता है कि एक बार फिर से बीमा भारती की जदयू में एंट्री हो सकती है, ये चर्चा अब देखते हैं कि क्या होता है। आज दिन भर ये खबरें लगातार आपके स्क्रीन पर चलेंगी, लगातार हमारे सहयोगी भी आपको बताएंगे। फिलहाल रातों रात के इस एपिसोड में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की और आज की भी जो भी खबरें रहेंगी हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे, बने रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।